फिर से आप सभी को एक प्यार भरा एक्सरसाइज दोस्तों, मैं आप लोग का जीवन ज्योति तिर्की, आप लोग को सभी को यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं एक भैया के शादी में, जो कि जीवन में पहली बार आता है, वाला खुशी आप देख सकते होंगे। एक भाई उसको दो टू पीछे सुंदरी लोग बैठे हुए, नहीं सॉरी तीन टू सुंदरी लोग बैठे हुए चले गए भैया की शादी। हे भगवान, आप लोग देख रहे हो शादी पहुंचने से कुछ समय पहले का बात, गाड़ी खड़ा करके खुद अपना अपना मेकअप कर रही है। भाई आप लोग लड़की लोग सब गए तो पक्का है भाई लेट हो गई होगी दो चार घंटा। देख रहे हो कितना फैशन हो रहे हैं, गई पलट तो रहे हाँ भाई बड़े मुश्किल से मेकअप करते हुए थके हारे हम पहुंचे भाभी लोग के घर। आप लोग देख रहे होंगे ये है भैया जो कि बहुत ही सुंदर है और भाभी भी कम ही नहीं है। उसके बाद देख रहे होंगे उनका जोड़ी भी बहुत तो बहुत ही अच्छा था, नाम भी बहुत सुंदर है, जस्टिन विद जस्टिन, वाओ जस जस, हमारा नाम भी जीवन, वाओ खतरा ही गजब। फिर हम बहुत मुश्किल से पहुंचे गिरजाघर, आप लोग देख रहे होंगे देव का मंडली का गिरजाघर है। सबको देख रहे हैं जी पादरी बाबा सब, बिशप बाबा सब, बड़े बड़े शहद बाबा सब आए हैं भैया भाभी को शादी करवाने के लिए। अभी जैसे हमने सबको पूछा जाता है कि काहे आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आओ, क्या काम है आप लोग को यहाँ पे आने के, ऐसे थोड़ा हंसी मजाक पूछा जाता है बस। फिर भैया भाभी लोग चर्च के अंदर घुसे, फिर वेदी की ओर मुंह करके हुए खड़े हुए, फिर आप लोग देख सकते होंगे भाई कितना सुंदर माहौल है। प्रभु ने ऐसा जोड़ी के रूप में समय को दूल्हा दुल्हन के रूप में आमने सामने बैठाया है, अगल बगल में बैठाया है। और उसके बाद प्रभु चाहता है कि आप लोग आज दोनों के जीवन का जो अकेलापन था उसको प्रभु आज आप लोगों के जीवन से दूर करना चाहता है। अपने इस प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहना और अपने दाहिने हाथ को मिलाओ। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर चमकावे और अपना खुश तुझे देवे, आमीन। एक दो तीन to man and the
बाद दोस्तों सबके खुशी खुशी गिरजाघर से बाहर निकलने लगे क्योंकि हो गया था शादी संपन्न। सबको एक शक्ल में दिख रहा होगा खुशी का माहौल। फिर सबको निकलने लगे आप देख सकते होंगे दोस्तों इतना भीड़ भाई बहुत ही भीड़ था। फिर उसके बाद सब पादरी बाबा भी सब लोग सर्टिफिकेट देने लगे भैया भाभी को, लीजिए आपका सर्टिफिकेट अभी खुद ही संभालिएगा। फिर दोस्तों सबको पहचान वाले सबको कांग्रेचुलेशन बधाई करने लगे बांधने लगे। के बाद भाभी पहुंची भैया के पास क्योंकि रहन भी तो नहीं होता होगा। फिर आगे आप देख सकते हो सब चीज माला वाला पहना के बाद सब चीज खत्म हुआ दोस्तों, क्योंकि मेहमान जब जाते हैं तो ऐसे ही स्वागत किया जाता है। आप सब कोई देख रहे होंगे कितना बढ़िया समझो समझी लोग ऐसे ही पैर और धो के जोरा जोरी होते हैं और समझी जुराते हैं दोस्तों, ये हम लोग का परंपरा है। दोस्तों नाच नाच के लग गया था भूख तो हम थे बराती पार्टी, हम लोगों को पहले मौका दिया गया हम चले गए खाने की और आप तो सब देख रहे होंगे तो लंबा लंबा लाइन है ट्रेन की जैसे क्योंकि सबका डब्बा था खाली मतलब लग गया था भूख। अब देख सकते होंगे कितना बढ़िया इतना बड़ा बड़ा लंबा लाइन था, पता नहीं भाई इतना रात हो गया बहुत ही भीड़ था। देख सकते हो खा खा के हो गया था रात, सबके अपना अपना पेट को करके कर देके आ रहे थे। फिर हम चले गए भाभी लोग के और क्योंकि वहाँ पे जितना भी सबके अपना अपना उपहार दे रहे थे भैया भाभी लोग को। ये वाला सीन ज्यादातर जीजा और साली का बीच का मामला होता है इसलिए कोई आसपास जाते नहीं। आप देख सकते होंगे जीजा कितना मेहनत करने के बाद वो मटका को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन देते नहीं है सर लोग, इतना ढीठ वाला साली लोग होते हैं कि फ्रीड में कुछ चाहिए नहीं, उनको चाहिए साड़ी नहीं होनी हो या फिर पैसा, तो लोग ऐसे मोट मिला होते रहता है तो तुम्हें होते रहता है। बड़ी मुश्किल से जीजा हार ही मान जाते हैं फिर देते हैं पैसा साड़ी खरीदने के लिए, तब मुश्किल से देते हैं सर लोग उनका मटका क्योंकि यही है परंपरा, ये थोड़ा खुशी मजाक हंसी मजाक चलते रहता है। माँ बाबा को वो लोग हैंडओवर कर रहे हैं और हम लोग आशा करेंगे कि निश्चय ही जो हैंडओवर ले रहे हैं या जीवा ले रहे हैं आगे निश्चय ही वे अपने परिवार के एक बेटी के रूप में एक बहू के रूप में नहीं। अरे दोस्तों काफी समय नाचने के बाद फाइनली विदाई के समय आ जाता है जो कि भैया भाभी खुशी के साथ लोग गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। आप लोग देख सकते होंगे हाँ दोस्तों फिर भैया भाभी के साथ साथ हम भी पीछे पीछे अपना अपना घर चलने लगे क्योंकि दोस्तों रात हो गया रहता है और सऊदी हो गया रहता है आजकल के दिन में संपन्न। फिर दोस्तों अगले दिन होने वाला रहता है, हम भी जाने वाले रहते हैं भैया लोग के घर में, आप लोग देख सकते होंगे। फिर दूसरा दिन हम चले गए भैया लोग के घर, पहले दिन तो गए थे सुंदरी लोग के साथ, फिर आज मेरे सुंदरी और मेरे सुंदरू मतलब मेरे भाई और मेरी मम्मी के साथ। अब देख सकते होंगे मम्मी कैसी खड़ी है कि जैसे लग रहा है कि टेंट है कि साड़ी है भाई, इतना सुंदर मैच कर गई थी। फिर आप लोग देख सकते होंगे हम लोग आ गए थे नाचने की और क्योंकि दोस्तों मेहमान लोग आ गए थे मतलब भाभी के और से परिवार दूसरे दिन, तो उन लोग हम लोगों को स्वागत करके नाचते हुए जाना था। आप लोग देख एक मौके वीडियो बना
आप देखने पाते होंगे जी, जैसे भैया सबको को हाल समाचार पूछते हुए इशू है करते हैं कैसे आए कैसे आने में हुआ ऐसे, क्योंकि दोस्तों ये भाभी लोग का परिवार की ओर से होते हैं तो दमद का हिसाब से फर्ज बनता है। फिर आप लोग देख पाते होंगे जी आप लोगों के सामने जैसे भाभी लोग की ओर से खातिरदारी किया गया, अरे दादी तो खुश लगता है उनके वीडियो बना रहे हैं ना, तो फिर ऐसे ही हम लोग भी उनको खातिरदारी कर दिए, सबको एक फर्ज बनता है। ए तेरी ये का है भाई, मालगाड़ी जैसे इतना लंबा, मतलब मालगाड़ी मतलब ट्रेन भाई। फिर दोस्तों मेहमान लोग को पैर सब चीज धोवाने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने में हम मेहमान लोग को पहले प्यार भरा खाने के लिए मौका दिया। दोस्तों आप देख सकते होंगे सबको पहले भाभी लोग के परिवार में से हैं, घर में से हैं, आप लोग देख सकते होंगे दोस्तों कितना अच्छा मेल प्रेम से सबको शांति बना के सब चीज अपना अपना भोजन छीन के अपने अपना भोजन कर रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते होंगे बहुत ही अच्छा लगता है ना, मेहमान लोग को पहले खाना खिलाए फिर बाद में दोस्तों इन लोग को मौका दिया गया कि जितना भी आए थे मेहमान लोग मतलब भाभी के ओर से सबको अपना अपना फिर से पर्सनली दोस्तों भैया भाभी को फिर थैंक्स या फिर नया जीवन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगे दोस्तों। आप लोग देख पाते होंगे सबको ये सब मतलब पहले विदा देने के बाद है, फिर सबको ये अच्छा हंसी खुशी के साथ दोस्तों को देख रहे होंगे सबको विदाई के हिसाब से नाचते हुए उन लोग अपना बस के पास या फिर मंदिर के पास डी के पर छोड़ने जाते हैं दोस्तों। कितना अच्छा मंदिर सब देख सकते होंगे। हम लोग को मटन मिला हुआ है, आइए आप लोग भी खाएंगे। माँ दीदी बोल दी, मेरा ये वाला टोटरी है इसको खाना हुआ है। नो 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 सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि मेरे को सबको सपोर्ट करते रहते हैं। हाँ दोस्तों ऐसे ही इस वीडियो में मेरे को सपोर्ट किए, हाँ दोस्तों आने वाले दिन में भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और अपना ध्यान रखते हुए रहिएगा दोस्तों। बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच।